कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। एंड आज की वीडियो होने वाली है पीर शाकिब शमी जी की वीडियो होने वाली है। इनके बोलने का तरीका ना भाई, बयां करने का तरीका इतना अमेजिंग होता है। फास्ट बोलते हैं ये किस सांस में अंदर लगातार हम देखते थे पहले इनकी वीडियोस। एंड आज की इनकी वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है प्रोफेट मोहम्मद साहब हुजूर पे वीडियो होने वाली है कि हुसन ए मुस्तफ़ा, कि उनका हुसन कैसा था। आप सभी को पता है भाई, उनके हुसन के सभी दीवाने थे। हालांकि कोई तस्वीर नहीं है, कुछ है नहीं है कि जो लोग आज मतलब तरसते हैं देखने के लिए। वो जो सहाबा थे सारे के सारे, वो थे भाई खुशकिस्मत जिन्होंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। सो फिलहाल बाकी हम इस वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं भाई क्या बयान करते हैं ये इस वीडियो में, एंड फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। एक रिवायत बयान करता हूँ। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ ले जाते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा के मुजाफात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं एक काफले ने पड़ाव किया हुआ है, वो काफला उनके पास ऊंट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट बहुत पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ। काफले का सरदार वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा ले जाइए खरीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मेरे पास कीमत नहीं है। मैं जाऊंगा घर, घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वो आका को कहते हैं आप ले जाएं ऊंट, आप ले जाएं। आका के हुसन के जलवे देख रहे हैं, उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहां से आया था, कहां जाने कहां से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी, कहा क्या किया, कहा उधार, कहा उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते, एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते, पता है कौन है, नहीं पता। कोई जामिन, जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है, अवामा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है। कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं, पता नहीं कहां रहता है, कहां से आया है, अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया। एक शख्स बोला, अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे, अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उसके मुंह से फूल। उन्हीं की भू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, गुलहलब हाय नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, देख गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला, अरे नादानो इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे, अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में गोया के। आला हजरत ही फरमाते हैं ना, लम याति नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगर आज को ताज तो रे सरसु है तुझको शहे दो सराजा न अनफी अतश वो सखा का अतम है गैसु वे पाक है अबरे करो है गैसु वे पाक है अबरे कर पर संहारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जा न अनफी अतश वो सखा का अतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा, मुख चंद बदर शाह शानी मत चमके लाठ नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अकीन मदबरिया ये उनका हुसन दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रही।
दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरजू रहे, इस एहतमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गए सूरज जाना की बू रहे, क्या खूब यार, मेरे कफन में, मेरे कफन में गए सूरज जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला, जो खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई, ये उनके जुल्फों का असर है, लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं, आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है, अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा, एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलों में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था, लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था, कहा क्या देखते थे, कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके उनके दांतों की चमक देख रहा था, वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर, माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता, अरे देखते नहीं तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे, एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊंटी ले गया है, ऊंटी ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा, कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है, अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमन जबनिकुम, एक औरत कहती है खबरदार कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं, कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो, कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं कौन है, मुझे भी नहीं पता कौन है, कहा फिर जमानत का है कि क्यों जमानत दे रही हो, उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया, अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है, अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा साहबा कीमत लेकर, कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है, ये ज़ियाफ़त के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ, उन्होंने कहा कीमत अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो, क्यों अब हमारा सौदा बाजारे मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका, अरे क्या हुआ कैसे, कहा बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोना कहाँ से आया था, अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए, एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया,
हाँ वो सोना था कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है, अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है। तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलमा पढ़ के वापस आ रहा है और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते। और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बताओ आखिर तुम किस एतबार से आका की तरह हो? ये गुफ्तगू जारी रही तो सुबह हो जाएगी, फजर हो जाएगी, मैं इतनी मिसालें पेश करूंगा कि वक्त ख़त्म हो जाएगा और फिर हम कहेंगे कि अभी न दिल के अरमां ख़त्म हुए थे, गज़ब हो गया कि सहर हो गई। सो गाइस ये थी वीडियो। और यार किस तरह से एक एक उनके जो बॉडी पार्ट्स यार किसी का कैसे जिक्र करा गया है ना, कैसे किसने उनकी आंखें देखी, किसने उनके ओंठ देखे, किसने उनके जुल्फे देखे है ना, तो कितने ज्यादा सुंदर होंगे यार, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता ना। लोग ऐसे कायल हो गए होंगे भाई उनकी खूबसूरती देख के, ये भूल ही गए भाई ऊंट की वो लेनी है ना, मतलब कैसी होगी है ना, इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई हमें ना, इमेजिनेशन में बस थोड़ा थोड़ा जिक्र है कि बाल घुंघरा लेते हैं उनके है ना, आंखें ऐसी थी, बट फिर भी यार एक चेहरा और आंखों का नहीं है, नो इमेजिनेशन है ना। मैं वही स्टार्टिंग में वही चीज़ कही थी कि भाई वो साहबा वगैरह कितने लकी होंगे जिन्होंने उनको देखा है ना, एंड क्या ही बोल सकते हैं अभी इसके बारे में। सो होप सबको वीडियो पसंद आई होगी गाइस, पसंद आई जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।